वहीं कल्याण सिंह की बेटी प्रभा सिंह से हमारे संवाददाता ओम पांडे ने बातचीत की। रामलला के दर्शन करना उनकी आखिरी इच्छा थी, ऐसा उनकी बेटी का कहना था। सुनिए। उनके निधन पर उनकी बेटी प्रभा जी हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, आज का जो दिन है क्योंकि महत्वपूर्ण है, रक्षाबंधन भी है, क्या कहेंगे आप? हाँ, वो तो महत्वपूर्ण है ही, राखी का त्योहार है। एक आपसे आखिरी बात कब हुई थी? घर पर ही हुई थी, इसके बाद नहीं हुई। क्या उनकी विशेष यादें क्या है जिनको हमारे शेयर करना चाहेंगे? पहले तो घर पर ही थे तो ज्यादा बोल भी नहीं पाते थे, तभी की सूजा हुआ था ना चेहरा उनका, तो ज्यादा बोल नहीं पाते थे। ये बेटा ठीक हो, बच्चों को मत घर से बाहर निकलने देना, बच्चों का ख्याल रखना, ये सब बातें करते थे। कुछ ऐसे शब्द जो साहस देते हों? हाँ, हिम्मत देते थे, बहुत हिम्मत देते थे, बहुत हिम्मत वाले भी बहुत थे। इतना मतलब संघर्ष, इतना संघर्ष किया उन्होंने, बहुत हिम्मत वाले थे मेरे बाबू। सवाल है, जिस तरह बाबरी विध्वंस हुआ था और उनको एक बड़े राजनेता के तौर पर देखा जाता था, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, क्या कहेंगे आप इस पर? बड़ा बलिदान दिया था वो, राम लला का मंदिर बनवाना चाहते थे, इसलिए मतलब अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। कहीं कहीं अंदर भाव भी नहीं, इच्छा तो थी मेरी, इच्छा थी कि मंदिर बन जाए तो मैं दर्शन करने जाऊं। तो ये थी उनकी बेटी, साफ तौर से वो कह रही हैं कि जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर को लेकर के कहा था कि उनकी आखिरी इच्छा है कि वो मंदिर का दर्शन करने की, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उनका परिवार पूरी तरह से आज भाव विभोर है, और इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि किस तरह से आज एक बड़े राजनेता की जो जिस तरह से क्षति हुई है, लगातार जो तमाम बड़े नेता हैं वो जरूर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दिलेश गुप्ता के साथ हूं पांडे, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।